अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, आज की जो वीडियो है वो मंथली ग्रोसरी पे है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्सल से कि इसमें क्या आया है मंथली ग्रोसरी के हिसाब से। जी, ये दाल है, वो जो ग्रीन लोबिया आई थिंक इसको बोलते हैं, तो ये मुझको नज़र आई थी, काफ़ी रीज़नेबल लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो ऑर्डर करके देखें, और अच्छी क्वान्टिटी में आई है। तो ये तकरीबन मुझे 150 की मिली है पाकिस्तानी। उसके बाद इस बॉक्स में देख लेते हैं इसमें क्या आया है। अब आप लोग आइडिया लगाइएगा कि ये मंथली बल्कि 2 महीने की ग्रोसरी, तो ये कितना, मतलब कितने में मुझे पड़ी है। अच्छा, ये भी, ये शुगर यहाँ पे आप लोगों को पता है महंगी है, तो ये मुझे 220 रुपये का डिब्बा मिला है, तो काफ़ी पैक्ड है, अच्छी मतलब क्वालिटी में है, और एक्सपायरी डेट सब कुछ ऊपर मेंशन है। तो ये शुगर पाइथांग, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें ग्रोसरी की तो कोई चीज़ नहीं लग रही, लेट्स सी क्या आया है। ओके, ये शर्ट आई है जो कि इनर फर वाली होती है, और ये काफ़ी मतलब अच्छी मिल गई मुझे, तो इसको, इसकी क्वालिटी देखें आप लोग, देख सकते हैं क्वालिटी अच्छी है, इनर फर लगा हुआ है, और काफ़ी सर्दियों में इनर यूज़ के लिए भी आप नॉर्मली रात को सोने से पहले भी पहन सकते हैं, और इनर शर्ट्स के नीचे भी पहन सकते हैं, तो थोड़ी स्किन टाइट टाइप की होती है, तो काफ़ी अच्छी रीज़नेबल मिल गई है मुझे। ओके, ये अच्छा, ये वो होती हैं चीजियाँ, ठीक है, ये तो बनता ही है। लिंकशर, ये स्नैक्स हैं, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं इसमें, ये देखें, बिस्किट्स हैं, ये चावल हैं, वो जो भुने हुए चावल नहीं होते, वो खाते होते थे बचपन में, और अब भी अक्सर लोग खाते हैं भून के चावल, तो ये भुने हुए चावल होते हैं इसके अंदर। और ये जो है, ये भी बहुत टेस्टी होती है, इसकी, इसका भी टेस्ट वो जो पकौड़ियाँ होती है ना, उसकी तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें अब ये 7-8 किस्मों के डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट्स हैं। जब ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी मिलती हैं प्राइस में, ये तकरीबन मुझे 120 रुपए का मिले, तो मुझे अपने घर के बच्चे बहुत याद आते हैं, बहुत दिल करता है कि वो पास होते तो उनको ये सारी चीज़ें देती। और ये देखें, ये पीनट है, मूंगफली, और ओके जी, अब इसमें देख लेते हैं ग्रोसरी के हवाले से क्या आया है। जी, बहुत ज़्यादा नीड होती है टिश्यूज़ की, और एजल के भी, और डाइपर चेंज करते हुए भी बहुत काम आते हैं, किचन के काम में मुझे बहुत ज़्यादा टिश्यू की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑयल से मुझे इरिटेशन है, आप गिन सकते हैं, 4 4 8 8 टिश्यू मिले हैं। एक टिश्यू मुझे पाकिस्तानी ये पड़ा है 15 रुपये का, ठीक है, ये एक पैक, तो आप आइडिया लगा लें कि टोटल कितने के बन गए, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में टिश्यू होता है। ये देखें, फाड़ ही दिया एक एक में निकालते हुए, ये देखें काफ़ी अच्छी उसमें है, ये डबलिंग में है, काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा यूज़ में हो जाता है। तो ये टोटल ग्रोसरी है जो कि तकरीबन 1000 रुपए में भी नहीं है, बल्कि 600-700 में चीज़ें ये सारी हैं। इसके अलावा ये जो कैरामल पॉपकॉर्न होते हैं ना, जो गुड़ के अंदर बने हुए होते हैं मीठे वाले, मुझे बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, तो ये मैंने मंगवाए थे, तो मुझे नज़र आ रहे थे 5 yuan में, तकरीबन 200 में मुझे ये 15 पैक मिले, आई थिंक 12 है कि 15, तो बाकी इसमें देख लेते हैं क्या है इसमें। अच्छा जी, पाकिस्तानी बासमती राइस आए हैं, ये बिरयानी, और नॉर्मली हम यही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ चाइनीज़ राइस भी ऑर्डर किया जाए, तो उनको भी ट्राई किया जाए। ये एक्सेल राइस बोलते हैं इनको यहाँ पे, काफ़ी महंगे मिलते हैं। ओके, अब इसमें देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या आया है। अच्छा जी, एजल मैडम का ड्रेस आया है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए इसके लिए मैंने फुल बाजू वाले और पैजामों वाले 2-3 ड्रेस ऑर्डर किए थे। ये 12 yuan का ड्रेस है, तकरीबन पाकिस्तानी 600 का,
तो 550 का, हाँ तकरीबन। काफ़ी अच्छे स्टफ़ में आया ये ड्रेस, ये आप लोगों को देख के भी नज़र आ रहा होगा। स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त। ओके, अब इन बॉक्सेस में देखते हैं इनमें हमारे पास क्या आया है। अच्छा जी, एजल माशाल्लाह से 5.5 महीनों की हो गई है, तो उसके लिए मैंने ये सिरी लैक ऑर्डर किया है, राइस सिरी लैक। इसमें स्पेशल ये था कि ये इसमें गाजर और ये एक होती है इसको शकरकंदी टाइप कुछ है, तो इसकी मिक्सचर्स का बना हुआ था ये। मुझे चाइनीज़ फ्रेंड ने बताया था कि वो अपनी बच्चियों को यही देती थी, तो इसको राइस नूडल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइस नूडल्स सीरियल काफ़ी अच्छा पैक मिला है और ये सस्ता बहुत है यहाँ पे, मैं ये हैरान हूँ। हमारे तो सीरियल महंगा ही बहुत है। ये देखिए, ये इतनी क्वांटिटी में है और ये मुझे तकरीबन 400 का मिला है पाकिस्तानी। अच्छा जी, ये मैंने गरम इनर मंगवाया था और देखें ये इनर फर में है, काफ़ी अच्छा है। और ये ऑफ पे मुझे मिल गया, 3 से 4 यूएन के बीच में मिला है मुझे, तकरीबन पाकिस्तानी 120 रुपए में। तो ये इसको इसमें देख लेते हैं। मैंने सर्फ भी ऑर्डर किया था, आई थिंक ये वही है। जी, ये सर्फ ही आया है और यहाँ पे सर्फ इंतहाई सस्ता है। ये मुझे तकरीबन 5 यूएन में, 4.5 यूएन में मिला है और ये 2.5 किलो सर्फ है, तो 200 का 2.5 किलो। अच्छा, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है हमारे पास। तो आप लोगों को पता नहीं यकीन आता है यानी प्राइजेस पे, तो सीरियसली इतनी की ही चीज़ें हैं। और ये मैंने चने मंगवाए थे और हमें बीजिंग के वक्त पे लगता था यहाँ से कुछ नहीं मिलता, चने दालें वगैरह यहाँ से सब कुछ मिलता है, तो ये चने का इतनी क्वांटिटी में 200 के मिले हैं मुझे। और ये दाल, और ये दाल देखें आप, अच्छी खासी क्वांटिटी में है और ये मुझे 10 यूएन की मिली है, तो तकरीबन 400 की थी। अब 2 महीने यूज़ हो सकती है दाल। अच्छा जी, ये तो एक गल्ला था छोटा सा जो मंगवाया था सेविंग्स के लिए, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा जी, ये उन्होंने गिफ्ट भेजा जो कि तिल होते हैं ना, तिल चीज़ों में डालने के लिए। अच्छा, ये रेड चिली मैंने मंगवाई थी क्योंकि पाकिस्तान से जो लाई थी वो ख़त्म हो गई है, तो इसमें अब ये देखें मेवा बहुत किशमिश की ज़रूरत लगती होती थी कुछ मीठा बनाते हुए, इतना दिल करता था खीर या वो कस्टर्ड बनाते हुए कि उसमें ये डालूं, तो ये मुझे 200 के 5 पैकेट मिल गए। तो अच्छा, ग्रोसरी की चीज़ें ज़्यादा है इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ज़ीरा मसाला, ज़ीरा मसाला खुशबू के लिए मुझे बहुत ज़रूरत लगती होती थी, तो ये भी मुझे 50 रुपए का पाकिस्तानी मिल गया, देख लें आप। अच्छा जी, अब इस पैक के अंदर क्या है इसको ओपन करके देखते हैं इसमें जी। अच्छा, ये ओपन पोर्स के लिए मैंने एक क्रीम ऑर्डर की है, चाइनीज़ क्रीम, तो बहुत मैंने इसका सुना था चाइनीज़ बहुत यूज़ करते हैं, तो मैंने भी मंगवाई है इसका, मैं भी यूज़ करके देखूंगी क्या रिजल्ट आता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा एजल की मैंने कैप ऑर्डर की थी, मुझे था ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि ये बहुत गर्मी फील करती है, तो अभी 1-2 महीने यही कैप चलेगी ये नॉर्मल स्टफ में। ये देखें, ये भी मुझे 150 की पाकिस्तानी मिली है और काफ़ी अच्छे स्टफ में है, तो ये मतलब इतनी है कि 1-2 साल की एज तक यूज़ हो सकती है इसकी कैप। अच्छा जी, इसमें ये देखें, ये भी छोटे छोटे स्नैक्स है, इसमें ये पीनट है, पीनट भुनी हुई और उसको फ्लेवर में इन्होंने कवर किया होता है, बहुत मज़े की होती है ये, डिफरेंट फ्लेवर में है, येलो में, रेड में, एक स्पाइसी है और दूसरा नॉर्मल होता है। अच्छा, ये है पाउली, ये तकरीबन ना मिलता जुलता है जो हमारे संघाड़े होते हैं ना, तो ब्लैक कलर के संघाड़े, इसको जब ओपन करते हैं ना तो अंदर से सेम उसी टाइप का ना मज़े का निकलता है। अब ये है कि इसको मैं बॉईल करूँगी, फिर इसको भूनूंगी, फिर ये रेडी होगा। अच्छा, अब इस पैक में देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या है। अच्छा, इसमें भी एजल का ड्रेस है, ये ड्रेस मुझे 8 यूएन में मिला है, तकरीबन 350 में, तो लेकिन ये मुझे प्रिंट बहुत पसंद आया था। और ऊपर से ये देखें इसका स्टफ चेक करें, कितना स्मूथ, कितना सिल्क टाइप है और कितना लाइट सा है कि बेबी को कितना रिलैक्स लगे इसमें, तो बहुत अच्छी वैरायटी में ये ड्रेस आया है।
ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है जी। अच्छा जी, ये कैप मैंने ऑर्डर की थी, क्योंकि इसका मैंने वो चिक ड्रेस जो वाइट ऑर्डर किया था उसके साथ मैचिंग कैप मैंने ऑर्डर की, और ये थोड़ी सी गर्म स्टफ में की थी, ताकि मुझे था कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में ये चल जाए, ठीक है। तो वो लाइट कैप थी, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा गर्म वाली थी। ओके, इसमें देख लेते हैं, मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी ऑर्डर करती रहती हूँ कि जो ऑफ में ना, डेली ऑफ में एक दो प्रोडक्ट लाजमी मिलती हैं आपको, 1 यूएन में, हाफ यूएन में। तो अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट मुझे, ये वाइब्स हैं इसमें, तकरीबन आई थिंक 200 हैं, और ये मुझे पाकिस्तानी 40 रुपए का मिला है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऑफ में मिलती हैं, वो मैं मस्ट ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत काम आती हैं। और बाकी ये कैचअप, मुझे कैचअप लगती होती थी कि यहाँ नहीं मिलता, लेकिन ये मैंने टोमेटो पेस्ट ऑर्डर किया है, ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, सालन में भी यूज़ हो जाता है इसका। टमाटर केचप मैं अलग से बना लूँगी, ये मुझे 250 का मिला है। और अच्छा जी, इस पैक में देख लेते हैं, ये गरम पैजामा ये मैंने ऑर्डर किया था, ये तो चाइना में बहुत फेमस है, मेरी जो बीजिंग वाली फ्रेंड्स देख रही होंगी उन्हें याद आया होगा। तो ये इनर बहुत बहुत सुकून देता है, इसके अंदर फर लगे हुए हैं, आप ये इनर भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली घर में रफ भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर आया है, अच्छा ये मैंने अरवी ऑनलाइन ऑर्डर की थी, मैं कह रही थी देखती हूँ क्या आती है, ये अरवी नहीं, ये अरवा आया, इतना बड़ी अरवी आई है। तो आप इसका साइज़ चेक करें, ठीक है, ये आपको कैमरे में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी है, क्योंकि नॉर्मल हमने सोचा भी नहीं होगा कितनी अरवी होगी ना। तो ये भर के सालन का बनेगा, 2-3 दिन यूज़ होएगा आराम से। ओके, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स, मतलब ये सारी मंथली ग्रोसरी के हिसाब से बहुत रीजनेबल, 2 2 साल तक तो यूज़ होगा, और 2 साल कह रही हूँ, 2 महीने आराम से यूज़ होगा। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर की थी एक ट्यूब, मुझे अभी ही अच्छी लग रही थी कि रेड हेयर कलर टेम्परेरी, आप जब वॉश करोगे तो बाल नॉर्मल वैसे ही हो जाएंगे। ये मुझे 10 यूएन में मिली है, पाकिस्तानी 400 की। तो अब अप्लाई करूंगी, लगा तो बहुत अच्छा था, इसमें हर कलर था, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड, और ये मैंने फिर थोड़ा क्रिस्टल रेड में, और इसके साथ देखिए इन्होंने ब्रशेज और कॉम्ब लगाया हुआ है, तो ये डायरेक्ट उसमें जाके आपके बालों पे अप्लाई हो सकता है, और क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही। लेट्स सी। ओके, ये मैंने एजल का एक इनर ऑर्डर किया है, अब आगे ठंड आएगी तो इसको कपड़ों के नीचे पहनाने के लिए, तो ये भी मुझे, ये इनर फर वाला है, तो ये 7 यूएन में मुझे मिला है, तकरीबन 350 का, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया है, अच्छा आया है। ये आप इसका स्टफ देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है, तब ये 2 2 साल तक तो आराम से यूज़ होगा, साइज़ अच्छा है इसका, बड़ा है। ओके, ये जो है, ये डायपर मुझे अब ट्रेंडेड नज़र आए थे और अच्छे मिल रहे थे प्राइस में, तो ये मुझे 200 के 16 मिल गए हैं, तो मैंने ये फिर ऑर्डर किए, तो अच्छा ब्रांडेड है। अब लेट्स सी, मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में मज़ीद प्रोडक्ट्स के साथ।